देश में अमन चैन का संदेश लेकर कनाडा से हिंदुस्तान पहुंचे धर्मगुरु जफर अरशद आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचे धर्मगुरु जफर अरशद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में अमन और चैन रहना चाहिए। दोनों सरकारों को ऐसा संदेश देना चाहिए कि किसी का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जब किसी की जान जाती है तो उसके परिवार का बुरा हाल हो जाता है। पूरे देश में अमन और चैन का संदेश देने का प्रयास कर रहे जफर अरशद ने बताया कि कलियर शरीफ में पहली बार हाजिरी लगाने आए हैं। आजकल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हालातों पर बोलते हुए धर्मगुरु ने कहा कि दोनों देशों की सरकारों को बातचीत के जरिए नफरत को मिटाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। बातचीत के माध्यम से मसले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी तो कोई हल जरूर निकलेगा। कनाडा से आया हूँ और अपने मुल्क में आया हूँ, अपनी फैमिली से, अपने लोगों से मिलने आया हूँ और ख़ास तौर से यहाँ पर कलियर शरीफ में जो है साबिर पिया की बारगाह में हाज़िरी देने आया हूँ। ये मेरा पहला वाकया, पहली दफ़ा आया हूँ और डेफिनेटली इट वाज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और मुझे तो खुशी हुई और देख के, और दिल चाहता है कि मैं हर साल यहाँ पर आऊँ यहाँ पर, और लोगों से मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जो मिशन है मिनहाजुल कुरान का और हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर तारिक कादरी साहब, उनका तो सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इसी का वो पहचाने इसी से जाते हैं, पीस और अमन का। जहाँ भी गए, अमेरिका में हों, यूरोप में हों, अभी यूरोप में इंग्लैंड में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हिंदू सिख मुस्लिम सारे जमा किए थे, एक इंसानियत का मैसेज, ह्यूमन बींग का मैसेज कि हमारा धर्म तो हम सब का अपने साथ साथ है, हम अपनी इबादत अपनी पूजा करते हैं, लेकिन ये कि एक इंसानियत का नाता जो है वो होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए भाईचारा जो है ना, वो पैगाम जो है ना, ये डेफिनेटली हमारा जो मिनहाजुल कुरान का मैसेज है और सारी दुनिया में जो दे रहे हैं, इंडिया के अंदर खसूसी तौर पर इसीलिए आए कि हम सब एक हैं और होने भी चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क एक है, तो फिर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं हम लोग? हम पहले तो हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद कुछ बात और कर सकते हैं। कहता हूँ जो कि मैं बचपन से मैं इंडिया में देखता आया हूँ कि हमारे पड़ोस में भी हमारे हिंदू भाई रहते थे, हमारे जहाँ पे जॉब थी हमारे वालिद साहब की, वो सारे सिख कम्युनिटी थी गुमटी में, तो हम सब मिल के रहे, हमें कभी डिफरेंस नहीं देखा इस चीज़ का, और यही हम चाहते हैं कि काश इसको हवा दी जाए कि हम सब भाई भाई हैं और हम गैर नहीं हैं एक दूसरे के, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बन के रह के दिखाएँ ताकि दूसरों को पता चले दुनिया में कि देखें ये मुल्क कैसा है जो कि एक दूसरे को मिल के आप एडजस्ट कर रहा है और खुश हैं एक दूसरे के साथ। और मैं यही दुआ करता हूं कि काश यही हो जाए कि हम दो सब एक दूसरे के साथ मिल के और बैठें, खाएं, पिएं और इंजॉय करें एक दूसरे की कंपनी। मैं दुआ ही करता हूं कि ये जो है ना जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में है या कोई सियासत या पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो ये ना करें, इससे बेहतर है कि कोई ऐसा मैसेज लें कि जिससे एक बंदे की भी जान ना जाए वहाँ पर, मतलब जैसे ना एक बंदे की भी अगर जान जाती है उसके घर में पूछे क्या होगा, अगर कोई बंदे का बेटा चला गया उस बाप से पूछे उसको क्या तकलीफ़ है, जिसका शौहर चला गया जिसका बाप चला गया, तो मैं तो इस उसमें हूँ कि अगर एक जान भी बचा ली जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं एक जान बचाना पूरी कायनात और पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाना, तो मैं तो दोनों तरफ से ये कहता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि बातचीत करके, और ये लड़ाई झगड़े से ना कभी कुछ हुआ है, सिर्फ नुकसान हुआ है। तो हमारा मुल्क इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें तरक्की हो रही हैं, अगर वही पैसा जो इस सब चीज़ों में खर्च हो रहा है तो हम गरीबों पे कर दें तो हम समझते हैं कि बहुत से गरीबों की दुआएं हमारे लीडरों को भी लगेंगी और काम भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है ना अगर ये आपस में बैठ जाएँ और मिलें तो ये बहुत खुशी की बात होगी। देखिए ना जो कुछ अभी इंसिडेंट हुए हैं तो मतलब ये सबको दुख हुआ है इसका, अब जिस तरह से जो भी हुआ, लेकिन ये दुख तो कहीं ना जाने गई लोगों की, तो एक ही गई हो या दस की गई हो तो ये तो दुख की बात है। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला हम सबको खुशी से एक दूसरे के साथ रखे और एक दूसरे की दोस्ती में कायम दायम रखे और किसी के लिए नफरत तो होनी नहीं चाहिए।